अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक रेसिपी देती हूँ जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्विक रेसिपी है। ये यहाँ पर मैंने चने ले लिए हैं, चने की चाट और लोबिया की चाट बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने इनको बॉईल करके और ऐसे मैंने एक बाउल में डाल लिया था। तो ये मैंने ये बॉयल हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि टिन के बनाए तो टिन के भी आप बना सकते हैं ऑलरेडी जो बॉयल होते हैं। यहाँ पर मैंने इमली का पेस्ट लिया है जो कि मैं तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो इमली का पेस्ट इसमें मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर ऑनियन चॉप किया था, हाफ ऑनियन, और टमाटोज चॉप किए थे, और कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज जो मैंने एक चॉप कर ली थी। अगर आप ज़्यादा चाह रहे हैं स्पाइसी तो आप दो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो ये मैंने कोरिएंडर जो है इसमें और सारी जो चीज़ें हैं मैंने काटी हैं ये इसमें डाल लेंगे। आपने छोटी छोटी करके डालनी है। और बहुत ही क्विक और बहुत मज़ेदार चटपटी चाट ये तैयार होती है। आप ज़रूर इसको ट्राई करके मुझे बताइए कि कैसी बनी है। अगर आपका दिल कर रहा है कभी चटपटा खाने को तो ये बहुत क्विक रेसिपी है। आप टिन में भी चने और लोबिया की दाल अवेलेबल होती है शॉप्स में, वो भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप बॉयल कर लें लोबिया और चने और उसको मिक्स करके बना सकते हैं। इसमें आप ऑल्सो जो है वो ब्लैक चने भी यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छी लगेगी, वो सिर्फ बहुत मज़े की बनती है। अब मैं यहाँ पर मसाले ऐड करूँगी। चाट मसाला मैंने यहाँ डाला है, आप चाहें तो इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो ग्रीन चिली डाली है वो ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो मैंने वन डाली है तो इनफ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं चाट नहीं बना रही। तो अगर आप ज़्यादा चाट बना रहे हैं तो आप अपना एक्स्ट्रा चिली इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें नमक भी ऐड कर लें आप। और मैंने इसमें आलू जो है वो ऐड नहीं किए थे, लेकिन आप इसमें आलू ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे आलू जो है वो काट के आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई कोरिएंडर, लेमन जूस थोड़ा सा डाला, और इसके बाद मैंने इसमें जीरा पाउडर भी डाला था। तो इसको अच्छे से जो है वो आप मिक्स कर लें। इतने मज़ेदार चटपटी चाट जो तैयार हुई है ये बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। अगर आपका दिल नहीं कर रहा कुछ खाने को और चटपटा खाने का दिल कर रहा है तो आप ये बना सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आपने समोसा भी डाल के खाएं तो वो भी बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। अगर आपका दिल कर रहा हो तो आप इसको ज़रूर बनाएं। और प्लीज़ बनाकर मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये चाट कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मेरी ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। इन्जॉय। अल्लाह हाफिज़।